अबीच तो से एक बात मेरे को करनी थी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कैम होते हैं स्कूटी वगैरह को लेके, गाड़ी को लेके, बट लकीली मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। फोन लकीली मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगी, मेरे नोन में थे एक्चुअली जिन्होंने मेरे को गाड़ी दिलवा दी, कोई मेरे को ऐसा इशू नहीं आया। राइट ले भाई, क्या कर रहा है? अबे ले तो पागल है, सोने अभी ठुकती। सबसे पहले वीडियो बनाना पूरी ढंग से ताकि उनको ऐसा ना लगे मतलब कि कोई स्क्रैच वगैरह लगा, आपके पास भी प्रूफ रहे कि आपने कोई स्क्रैच नहीं मारा है। तो ये बहुत स्कैम होते हैं यहाँ पर, तो इसका खास ख्याल रखें। कोई भी कार या स्कूटी रेंट पे लेने से पहले उनकी वीडियो ज़रूर बनाएं हर एंगल से, ताकि आपके पास एक प्रूफ हो जाए कि आपने वो स्क्रैच या डेंट नहीं मारा है। बागा बीच पर, और ये बहुत ज़्यादा मतलब जाना माना बीच है गोवा का। सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो यहीं पर होती है। आपको बेसिकली ये बताऊँगा कि मेरा गोवा का ट्रिप मेरे को पूरा 13,000 में कैसे पड़ा और इसमें क्या क्या था, और ये सब बताऊंगा। लेकिन उसके लिए ना वीडियो देखो और इसके और भी पार्ट्स आएंगे, वो सारे एंजॉय करो। तो भाई ये है बागा बीच और गोवा में, देखते रहो आप। अभी मैं जा रहा हूँ जेट स्की चलाने, जिसका प्राइस है 500 रुपये, और वो मैं खुद नहीं चलाऊंगा, मतलब वो ये लोग चलाएंगे, और अगर खुद चलानी तो 800 रुपये पानी आ गया है भैया। चलो रेडी हूँ मैं, ठीक है, बता देना अब आप। जेट स्की चलाएंगे, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है यार, एक नंबर आलीशान है भैया। बढ़िया मौसम, बढ़िया बढ़िया, तूफान आ रहे हैं एकदम तड़कती फड़कती लहरों में चलाएंगे वो तेरी। अबे देखो भाई पैर, देखो अंदर कैसे धस रहे हैं, पैर धस गए पूरे अंदर भाई साहब। सही रहा भाई तेरा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया भाई। पहले चलते हैं जेट स्की चलाने, और एकदम जैसी मेरी बारी आई धूप हो गई साली। कितने टाइम में जाना भैया? अबे भाई बहुत कंफ्यूजिंग के लिए हुआ था मेरा, सेम हुआ था। बंद कर तू, मुंह पे पानी आया था मेरे। बंद कर देखते हुए। अबे पागल है क्या? ले गया भाई, क्रिश ले गया? नहीं नहीं, वो लेके गया को भी। ओके भाई, मजा भाई, चीज है भाई, चीज है, ये वाली चीज है भाई, बहुत आगे ले गया ना मुझे भी। अब मैं कहाँ बना रहा हूँ वीडियो हवा में। मजा करवा दिया आपने भाई, ये लो मुंह में इतना खारा पानी घुसा है ना भाई, गॉड मजा आ गया। और ये 500 रुपये ले रहे थे इसके, जिसमें आप नहीं चलाओगे ये चलाएंगे, बट बहुत आगे तक ले गए थे, आपने वीडियो में जैसे देखा होगा मेरी। और बाकी 800 अगर आप देते तो 800 रुपये में आप चलाते, बट मैंने 500 रुपये वाला लिया था, और पैरा सेलिंग 800 रुपये की है विदाउट डिप और 1100 रुपये विद डिप। कितने कितने रुपए के हैं, आपको मैं दिखाऊं जरा प्राइस। यहाँ पर फिश टिक्का
350, ग्रिल चिकन 600 रुपए फुल और हाफ 320 का। सही है भाई। बटर नान 50 रुपए का। क्या ऑर्डर करा हमने? वेज मंचूरियन। कहाँ है, कितने का है वेज मंचूरियन? है तो है ही नहीं इसमें, इसमें है नहीं, पर हमने ऑर्डर कर दिया वैसे वेज मंचूरियन। बाकी व्यू तो अपना है ही बढ़िया, समुद्र के किनारे बैठ के खाना खाया था यहाँ पर, लकी स्टार जो बागा बीच। और मौसम देखो भाई, बिल्कुल क्लाउडी हो गया एकदम, एक नंबर मौसम। एक तो ऐसे चप्पल देखो आप, ऐसे पैर धंस रहे हैं और चप्पल बिल्कुल ही मिट्टी से भर गई है। गाड़ी अपनी बिल्कुल सही है और लाइटिंग गोवा में आप देखो क्या बढ़िया लाइटें शाइटें लगी होती हैं गोवा में रात को। मैं आपको दिखाता हूँ ढंग से आगे जाकर। अब पूरा पैर आ गई, ए आ गई भाई। अब मेरा पैर अंदर धंस जाएगा, देखना उंगलियाँ अंदर धंसी हुई होंगी। बहुत मज़ा आ रहा है यार, सुबह सुबह 7 बजे आ गए हैं यहाँ पर। ऑफिस जा रहा ना वो, देख भाई यहाँ पे भाई सुबह सुबह फिशिंग चल रही है बीच पे। यार कैसे आते हो, इतनी मुश्किल है वैसे हैं यहाँ फिशेस पकड़ना, चांस ही नहीं बनता यार। बोले वहाँ तक गई है रस्सी। ये क्या है, क्या है ये? ये क्या है, क्रैब अंदर घुस गया। यहाँ पे भाई एक चीज का खास ख्याल रखा करो, अभी जैसे क्रैब वगैरह पकड़े ना तो ये अंदर चले जाते हैं बिल्कुल ही। दिखाता हूँ मैं आपको एक सेकेंड, ये देखो जैसे ये है, ये इसको ऐसे करते करते इसके अंदर चले जाते हैं अंदर, तो इस चीज का खास ख्याल रखा करो, अंदर क्रैब वगैरह भी होते हैं इसके मिट्टी के अंदर। भाई हम अगर हम होटल से पैकेज वगैरह बुक हमने करवाया है तो यहाँ पर हमें ब्रेकफास्ट मिल रहा है, और आज का 8 तारीख का ब्रेकफास्ट हमारा पोहा है, पूरी आलू वगैरह भी, और पूरी आलू में खान रहा है, चाय है, दूध है, तो ऐसे यहाँ पे खाना वाना है और प्रॉपर। वहाँ हमारा ऊपर वहाँ पर वो हमारा कमरा है वहाँ पर। भाई डॉल्फिन, वो रही डॉल्फिन।